हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल पे, जिसका नाम है फिटनेस गोल्स, जहाँ पे मैं आपका दोस्त आपके सारे फिटनेस रिलेटेड गोल्स को कंप्लीट करने में आपकी मदद करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, आपने रोज एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए या फिर व्हाई शुड यू डू एक्सरसाइज। सो चलिए बिना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारे ब्रेन पे एक पिल यानी दवाई की तरह काम करती है, जो हमारे दिमाग की मेमोरी, फोकस और मोटिवेशन को बढ़ा देती है। हाउ द ब्रेन वर्क्स, दिमाग कैसे काम करता है। तो हमारे दिमाग में डोपामिन, न्यूरोपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। तो चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डोपामिन को। तो डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो आपको रिवॉर्ड मिलने पर रिलीज होता है, जैसे कि आपको अचानक से पैसे मिल जाना, या फिर कोई सरप्राइज गिफ्ट, या फिर आप जब अपनी मनपसंद डिश खाते हो तब आपको जो हैप्पीनेस मिलता है वो डोपामिन रिलीज के होने की वजह से ही मिलता है। और यही डोपामिन आपको कोई नई चीज़ करने के लिए मोटिवेट भी करता है। और अगर आप डीमोटिवेटेड फील करते हो तो उसका कारण है आपका डोपामिन लेवल लो है। डोपामिन के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक चूहे के डोपामिन रिसेप्टर को बंद कर दिया था, जिसके बाद जब उन्होंने उस चूहे के पिंजरे में चीज़ रखा तो उस चूहे ने चीज़ खाने की बजाय वही रहना पसंद किया। इसका मतलब वो बहुत आलसी हो गया था। तो देखा आपने, डोपामिन हमें हर चीज़ करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर यही हमारे अंदर कम रहे तो हम कोई भी चीज़ करने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। और अगर आपको अपना डोपामिन बढ़ाना है तो स्टडी ये भी प्रूव कर चुके हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारा डोपामिन लेवल इंस्टेंटली बढ़ जाता है और हम मोटिवेटेड फील करने लगते हैं। तो हमारा दूसरा केमिकल है सेरोटोनिन। यह आपके ब्रेन का पुलिसमैन है, जो आपके मूड, गुस्सा और एग्रेसिवनेस को इन्फ्लुएंस करता है और आपके दिमाग की एक्टिविटी को अंडर कंट्रोल रखता है। दूसरे शब्दों में बताया जाए तो अगर आप तनाव, एंशियसनेस या फिर डिप्रेशन फील करते हो, इसका मतलब आपके सेरोटोनिन लेवल कम है। इसकी वजह से जो लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस में जाते हैं वो इसको कम करने के लिए पिल लेते हैं, इसका मतलब वो पिल आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा देती है। पर मैं अगर आपको बिना पिल लिए इसको बढ़ाने का एक उपाय बताऊँ तो इसका उपाय है एक्सरसाइज। और रिसर्चर ये भी बता चुके हैं कि एक्सरसाइज डायरेक्टली आपके सेरोटोनिन लेवल को इन्फ्लुएंस करती है, इसका मतलब डिप्रेशन और तनाव का सबसे अच्छा क्योर है एक्सरसाइज। और जो हमारा आखिरी केमिकल है वो है नोरोपिनेफ्रिन। अगर आपको एक जगह ध्यान केंद्रित करने में या फिर फोकस रहने में समस्या आती है तो इसका कारण है लो लेवल ऑफ नोरोपिनेफ्रिन। यह बिल्कुल दो केमिकल जो हमने पहले समझे उन्हीं की तरह काम करता है। अगर यह केमिकल ज़्यादा मात्रा में है तो यह आपके फोकस को शार्प बना देगा, मगर यह कम मात्रा में है तो यह आपके फोकस को डल बना देगा। कल्पना कीजिए कि इन सभी केमिकल को अगर आप बढ़ा सके, वो भी एक ही समय पर या बिना किसी दवाई की मदद से, तो क्या ही बात हो जाएगी। तो हाँ बिल्कुल, आप इन सभी केमिकल को एक साथ बढ़ा सकते हैं, वो भी रोज एक्सरसाइज करके। और सिर्फ यही नहीं, हर रोज एक्सरसाइज करने से आपकी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटीज को भी बूस्ट मिलेगा। ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर या फिर BDNF इन शॉर्ट। और स्टडीज ये बताती है कि आपके शरीर को जो पार्ट आपके मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है BDNF। और अच्छी बात यह है कि BDNF अनलिस्ट होता है जब हमारा ब्लड पंप होता है। ये हमारे ब्रेन की सेल्स को बढ़ाता है और हमारी सीखने की क्षमताओं को भी बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक्सरसाइज डायरेक्टली हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करती है। इमेजिन कीजिए कि आपका दिन कैसा होगा अगर आप अपने मूड, मोटिवेशन और अटेंशन को हर सुबह बढ़ा सके तो, और उसके अलावा मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ा सके। तो इसके लिए आपको आपके दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करनी होगी। पर कितने वक्त तक आपको एक्सरसाइज करनी होगी, तो हफ्ते में 6 घंटे, जो आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को दिन भर हाई रखेगा। पर अगर आप स्टडी या फिर काम करने से पहले एक्सरसाइज करें तो आपको एनर्जेटिक
मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील होगा। तो हमारा कंक्लूजन ये है, एक्सरसाइज एज कम्पेयर टू हमारे बॉडी के किसी पार्ट के हमारे ब्रेन पर ज़्यादा इफेक्ट करती है। किसी भी दवाई के मुकाबले एक्सरसाइज हमारे ब्रेन की एबिलिटी यानी क्षमताओं को बढ़ा देती है। हमारा ब्रेन हमारे मसल की तरह ही बढ़ सकता है। थैंक यू।